हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए निबंध को लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के लिए। निबंध का शीर्षक है भारतीय संस्कृति अखंड और अक्षुण विरासत। दोस्तों, इस निबंध को लिखने के लिए निम्नलिखित रूपरेखा के तहत निबंध लिखना चाहिए। प्रस्तावना, नंबर दो संस्कृति का अर्थ, नंबर तीन सभ्यता और संस्कृति, नंबर चार भारतीय संस्कृति और उसकी विशेषताएं, और नंबर पाँच उपसंहार। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं। प्रस्तावना में दोस्तों लिखेंगे, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। पूरे विश्व में भारत अपनी संस्कृति और परंपरा के लिए प्रसिद्ध देश है। यह विभिन्न संस्कृति और परंपरा की भूमि है। विभिन्न संस्कृति और परंपरा के लोगों के बीच की घनिष्ठता ने एक अनोखा देश भारत बनाया है। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति है, जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। किसी देश या समाज के परिष्कार की सुदीर्घ परंपरा होती है। उस परंपरा से प्राप्त सभी विचार, शिल्प, वस्तु किसी देश की संस्कृति कहलाती हैं। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है सुधारने वाली या परिष्कार करने वाली। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि संस्कृत मानव जीवन की वह अवस्था है जहां उसके प्राकृत राग द्वेषों का परिमार्जन हो जाता है। इस तरह जीवन को परिष्कृत एवं संपन्न करने के लिए मूल्यों, स्थापनाओं और मान्यताओं का समूह संस्कृति है। किसी देश की संस्कृति अपने आप में समग्र होती है एवं परिवर्तनशील होती है। सभ्यता को शरीर एवं संस्कृति को आत्मा कहा गया है, क्योंकि सभ्यता का अभिप्राय मानव के भौतिक विकास से है, जिसके अंतर्गत किसी परिष्कृत एवं सभ्य समाज की वे स्थूल वस्तुएं आती हैं जो बाहर से दिखाई देती हैं, जिसके संचय द्वारा वह औरों से अधिक उन्नत और उच्च माना जाता है। उदाहरण के लिए रेल, मोटर, सड़क, वायान, वेशभूषा आदि। संस्कृति के अंतर्गत वे आंतरिक गुण होते हैं जो समाज के मूल्य व आदर्श होते हैं, जैसे सजनता, सहृदयता, सहानुभूति, विनम्रता और सुशीलता आदि। हमारे देश में शक, हूण, यवन, मंगोल, मुगल, अंग्रेज, कितनी ही जातियां एवं प्रजातियां आईं, किंतु सभी भारतीय संस्कृति में एकाकार हो गईं। डॉक्टर गुलाब राय के विचारों में भारतीय संस्कृति में एक संश्लिष्ट एकता है। इतना सम्मिश्रण होते हुए भी वह अपने मौलिक एवं अपवर्तित रूप में विद्यमान है। भारतीय संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र उद्देश्य पर आधारित है। भारतीय संस्कृति कई विशिष्टताओं से युक्त है। जिन विशिष्टताओं के कारण वह जीवित है उनमें कुछ प्रमुख हैं। नंबर एक है आध्यात्मिकता। अध्यात्म भारतीय संस्कृति का प्राण है। अर्थ, कर्म, काम, मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों को महत्व दिया गया है। नंबर दो सहिष्णुता की भावना। सहिष्णुता की भावना को भारतीय संतों ने प्रसारित किया है। नंबर तीन कर्मवाद। भारतीय संस्कृति ने सदैव कर्म करने की प्रेरणा दी है। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नंबर चार है विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति सारे विश्व को एक कुटुंब मानते हुए समस्त प्राणियों के लिए कल्याण, सुख एवं आरोग्य की कामना करती है। श्लोक में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। गुरु की महत्ता। अगला गुण है भारतीय संस्कृति में गुरु को शिखर, ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु को अंधकार का नाश करने वाला बताया गया है। अगला गुण है संस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है भारतीय संस्कृति में। अगला है शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय संस्कृति में इसे चारित्रिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने वाली माना है। अंत में उपसंहार देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संस्कृति एक महान जीवनधारा है जो प्राचीन काल से सतत प्रवाहित है। इस तरह से भारतीय संस्कृति स्थिर एवं अद्वितीय है, जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी वर्तमान पीढ़ी पर है। इसकी उदारता और साम्यवादी गुणों ने अन्य संस्कृतियों को समाहित तो किया है, किंतु अपने अस्तित्व के मूल को सुरक्षित रखा है। एक राष्ट्र की संस्कृति उसके लोगों के दिल और आत्मा में बसती है। सर्वांगीणता, विशालता, उदारता और सहिष्णुता की दृष्टि से अन्य संस्कृतियों के अपेक्षा भारतीय संस्कृति अग्रणी स्थान रखती है। तो ये था दोस्तों
निबंध भारतीय संस्कृति अखंड और अक्षुण विरासत के ऊपर। तो दोस्तों अगर ये आपको पसंद आया हो तो आप अपनी परीक्षा में इसे यूज़ कर सकते हैं और अच्छे अंक ला करके परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हैव ए ग्रेट टाइम।